नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। SECL की दीपिका परियोजना से लगातार कोयले का उत्खनन हो रहा है, जिसकी वजह से दीपिका कोयला खदान अब घनी आबादी वाले क्षेत्र मलगांव, अमगांव, दराखाचा, हरदी बाजार, सराय सिंगार और सुबह बोडी के करीब एकदम पहुँच चुका है। बावजूद कोयला खनन कार्य के लिए अभी भी खदान में रोजाना हैवी ब्लास्टिंग की जा रही है। हैवी ब्लास्टिंग से जहां क्षेत्र थर्रा उठा, तो वहीं ब्लास्टिंग की वजह से क्षेत्र में कुआं व बोर का धंसना और मकान की दीवारों में दरार पड़ना आम बात हो गई है। शिकायत के बाद भी प्रबंधक ना तो सर्वे करता है और न ही पीड़ित पक्ष को क्षतिपूर्ति राशि दी जाती है। हैवी ब्लास्टिंग की वजह से हरदी बाजार कॉलेज चौक निवासी पूरन जायसवाल के घर के छत पर बने मंदिर के सामने का छज्जा भरभरा कर गिर गया। मंदिर का छज्जा गिरने से पीड़ित पूरन जायसवाल ने SECL दीपिका क्षेत्र के महाप्रबंधक के नाम एक आवेदन लिखा, जिसमें 5 लाख की क्षतिपूर्ति राशि देने सहित निजी भूमि और मकान का अधिग्रहण कर मुआवजा राशि देने व बसाहट की मांग की गई। पूरन जायसवाल की माने तो न केवल मंदिर का छज्जा गिरा, बल्कि घर में लगे टाइल्स भी उखड़ने लगे हैं। उनके घर के बोरवेल धस गए हैं, मकान में भी दरार आने लगी है, जिसकी वजह से पूरा परिवार दहशत में है। SECL के द्वारा इतना हैवी ब्लास्टिंग हो रहा है कि मंदिर का छत गिर गया है और बोर भी धस गया है और घर का पूरा क्रेक हो गया है और टाइल्स भी उखड़ रहा है। पूरा इतना जोर से ब्लास्टिंग किया जा रहा है। SECL के द्वारा ऐसा मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है कि मतलब जनता को घर में रहना मुश्किल हो गया है और SECL द्वारा शिकायत करने पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसा SECL ने इतना जोर जबरदस्त ब्लास्टिंग करते हैं कि मतलब घर मकान और परिवार को रखना भी मुश्किल हो गया है, ऐसा दहशत हो गया है। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।